और कल दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि कल की मीटिंग जाए बिस्किट वाली रही, सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है, कांग्रेस सीट शेयरिंग को टालती ही जा रही है। उन्होंने इंडिया अलायंस की बैठक को टाई टाई फिस बताया है। ये कल की बैठक पे सभी विपक्ष के नेताओं की पूरी दृष्टि थी कि कल कुछ एक कंक्रीट डिसीजन होगा, परंतु कल की भी मीटिंग टाई टाई फिस हुई। पहले तो मीटिंगों में चाय समोसे चलते थे, परंतु अभी इधर कांग्रेस ने खुद कह रखा है कि हमें फंड की कमी है 138 रुपया 1380 या 13800, आप हमें डोनेट करें। कल की मीटिंग में चाय बिस्कुटे पर रह गई, समोसे भी नहीं आ सके। और इंडिया अलायंस की हुई बैठक को लेकर बीजेपी काफी हमलावर है। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि इंडिया अलायंस कांग्रेस परिवार की कठपुतली बनकर महज रह गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इतिहास का सबसे बड़ा झटका कल की बैठक में लगा है। नीतीश जी अलायंस में जाने के पहले ऐसे नहीं थे जैसे आज है। नीतीश जी को लोग विचित्र नजरों से देख रहे हैं। अचानक नीतीश कुमार को क्या हो गया है? हम तो वॉच कर रहे थे, हम भी देख रहे थे कि इन लोगों की अलायंस का नेता कौन आता है। भाई देखिए, कोई नीति तो आ नहीं रही है, नीयत जो है वो तो कांग्रेस की इतने सालों से देख ही रही है देश की जनता। करप्शन की नीति, देश विरोधियों को शक्ति देने की नीति, गरीबों को सिर्फ लॉलीपॉप देते रहने की नीति। तो ऐसे में कल जब इनका कोई नेता घोषित भी हुआ तो उसमें कितने लोगों के दिल टूटे हैं ये मनोज तिवारी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर के पूरा बिहार ये सोच रहा था कि नीतीश कुमार जी शायद उस अलायंस के नेता बने, लेकिन अभी तो ऐसा हो गई कि गई रहना कुछ और बने, आ गए कुछ और बन के। वही इंडिया अलायंस में खड़गे की पीएम उम्मीदवारी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा और कहा कि खड़गे डमी, शासन चलाएंगे मम्मी। देखो खड़गे जी तो खड़गे हैं डमी, चलाएंगी मम्मी। नीतीश जी का हो गया काम, अब पता नहीं किस हाल में कहां पड़े होंगे। इस समय सबसे बड़ा झटका तो नीतीश कुमार जी को लगा है। वही इंडिया अलायंस की बैठक भाजपा विधायक नीरज बबलू ने हमला बोलते हुए कहा कि इस बैठक से कुछ भी नहीं होने वाला, बैठक में नेता एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ लड़ रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी के उम्मीद पे बार बार पानी फिर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल भी ये बैठक से भाग गए हैं, मुंबई में भी इनको भागना पड़ा, चौथी बैठक हुई लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। नीतीश कुमार जी का जो सपना है, दिन में सपना देखते रहते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो प्रधानमंत्री तो बात छोड़ दिए, प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनाया, इनको संयोजक तक नहीं बनाया। और इस बात का मजे लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ले रहे हैं।